हेलो गाइस, सभी को नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैंने पहना है ये कुर्ती, साइड में मैं लगा दूंगी, बाकी आप शॉर्ट्स में देख लेना। ये फ्लिपकार्ट से मंगाई थी मैंने यार, ये बहुत ज़्यादा सस्ती है। ये 230 या 240 ऐसे कुछ था। उसकी दो कुर्ती है, सेम टू सेम डिट्टो, मतलब दो कुर्ती बिल्कुल सेम प्रिंट सब कुछ, दो आई थी। तो एक पर 130 से 140 ऐसे कुछ की है, तो मैं इसकी डाल दूंगी। हाँ, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर ली तो मैं डाल दूंगी। बाय द वे, आज है day 3 ऑफ नवरात्रि। बताना ही कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। क्या ही मिलेगा, 150 रुपये भी नहीं पूरा। सोचो, मुझे तो लगा था 150 का होगा कम से कम, बट मैंने देखा 230 का, तो मैंने मंगवा लिया। 230 के इसमें दो थे तो ये मैंने मंगवा लिया है। एंड अगेन चाय वाली मैंने पी ली अपनी, तो मैंने करी थी इसकी अनबॉक्सिंग अभी। ये तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या मैं अप्रूव करती रहती हूँ। ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी तांबा बोतल। इन यार ये बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ऐसे करके देखो, ऐसे करके ऐसे है, ऊपर से छोटा फिर बड़ा 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 ऐसे आ रहा है। मीन्स ये मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। खोल के दिखा देती हूँ। देखो अच्छी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी मंगवाऊंगा, मैंने मंगवा ली फाइनली। तो अब मैं इसमें पीऊँगी पानी। उनके शॉर्ट्स में आपको दिखी जाएगा, इसके मिल्टन के जो ढक्कन है ना, इस पर भी लिखा हुआ है। एंड जो ढक्कन है ना, ये मुझे लगा था उसका होगा, मतलब ये तांबा वगैरह का, बट मुझे लग रहा है प्लास्टिक है। आई होप आपको आवाज़ आ रही हो। हाँ, ये जो चीज़ है ये पूरे तांबे की, बट ढक्कन लग रहा है प्लास्टिक का, पता नहीं मुझे, समझ नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से, गिर गया। एंड उसके बाद मैंने मंगवाया था ये इंडक्शन, इसकी भी करनी है अनबॉक्सिंग। इसका शॉर्ट्स अलग से आएगा। ये है इतना बड़ा किसी, अब इसकी मुझे करनी है, करूँगी इस वीडियो के बाद। तो आप बताना आपके नवरात्रि कैसे जा रहे हैं। एंड इसके बाद मुझे कंप्लीट करनी है ये बुक। यार मैं तो मतलब पढ़ चुकी थी, और इसके दो चाहे दो तीन चैप्टर रह रहे थे, दो चैप्टर आई गेस। हाँ, इतना रह रहा है इसका, मतलब इतना पोर्शन रह रहा है, और ऐसे ही मतलब क्या ही करूँ, मेरे को टाइम नहीं मिला पढ़ने का। बट आज अगर मैं देखते हैं इसे ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं आपको उसका दूँगी रिव्यू। बाय द वे, बुक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। अगर कोई बिगनर है जिसको इंग्लिश की बुक पढ़नी है, या कुछ भी है उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े, या किसी को लाइफ स्टाइल हेल्थ से रिलेटेड बुक चाहिए, तो ये पढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर पीने के बाद मैंने अपना दिन स्टार्ट किया था चिया सीड वाटर से। ये बहुत अच्छा होता है, इसमें फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, एंड आपको 2-3 घंटा भूख लगने नहीं देता है। क्योंकि मैं इसको रेगुलर पीती हूँ तो मुझे पता है, जैसे मैं इसको पी लेती हूँ तो मुझे 1-2 घंटा बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। मैं घड़ी भी देखती रहती हूँ कितने देर तक मुझे नहीं लगी, 2 घंटा कहीं भी नहीं जाता है। एंड अगर आप पीते हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। पहले मैं नहीं पीती थी, बट जैसे मुझे इसके फ़ायदे पता चले कि कितना अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, एंड मतलब और हेयर्स हो गया, स्किन हो गया, सब चीज़ के लिए, तो मैं इसे पीने लगी हूँ एंड पी लेती हूँ बस। पहले मैं लुकवॉर्म पीती थी, सर्दियाँ थी, अभी नहीं, अभी तो मैं इसे पी लेती हूँ। उसके बाद मुझे हल्की हल्की भूख लगी थी तो मैंने खाया था एक अनार। डेली आपको एक फ्रूट लेना चाहिए, कुछ भी ले लो, सस्ता हो महंगा हो कुछ भी, बट हमें डेली एक फ्रूट लेना ही चाहिए। और मैं खाऊँ ऐसा हो नहीं सकता कुछ गिरे ना, और गिर गया। आप भी बताना आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, आप बिना गिराए नहीं खाते हो। एंड अनार मैंने यहाँ पे धीरे धीरे इंजॉय कर रही थी। उसके बाद लगभग 1 या 2 ऐसे कुछ बच गए थे, तो मुझे और भूख लगने लगी थी क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। एंड अगेन बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है 9 दिन। तो मैंने परसों भी दाल चावल खाए थे, कल भी दाल चावल ही बने थे, साथ में थोड़ा सा आलू फ्राई था, एंड थोड़ा सा मैंने कुकुम्बर लिया था, मस्त था, नींबू डाल एकदम खट्टा खट्टा मजे आ गए थे। एंड यार चाय मैंने ऐसे तो थोड़ी दी थी, बट मुझे पता नहीं क्यों दोबारा क्रेविंग होने लग गई है। एंड अगेन फिर मैं चाय पी रही हूँ। इसके बाद मैं कराऊँगी आपको माता रानी के दर्शन। वैसे आप बताना आपको चाय कितनी पसंद है। यार मैं तो टी लवर थी, छोड़ दी थी बीच में, फिर दोबारा मतलब पीने लग गई हूँ, गर्म थी। तो यहाँ पे कर लो आप माता रानी के दर्शन। दर्शन के बाद मैंने घर आके की थी पूजा, एंड फिर अगेन डिनर का टाइम हो गया था, तो मैंने दाल चावल एंड एक रोटी खाई थी। चावल बहुत थोड़े से थे, बिल्कुल नाम मात्र। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।